कोयले वाली जो बैंक घोटाले का प्रकरण है उसके अंदर आज हम जो जितने ये पीड़ित किसान हैं, कैलाश जी मेघवाल के नेतृत्व में हम हनुमानगढ़ टाउन थाने से बोल रहे हैं और हम सब किसानों ने यहाँ मांग की है जो वर्तमान में कार्यवाहक जांच अधिकारी है उनसे कि बैंक का जो घोटाला हुआ था उसमें जो मुख्य आरोपी था और घोटालेबाज था अनुज तरड़ उसको रात को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अब हम मौके पे इसलिए आए हैं कि इसकी रिमांड लेकर हमारे जो पैसे हैं, मुख्य जो हमारी मांग है किसानों की यही है कि जो इसने 10-12 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है उसकी बरामदगी इससे की जाए, चाहे उस पैसे का इसने जमीन खरीदी है, प्लाट खरीदा है, सोना खरीदा है या अपने रिश्तेदारों को दिए, कहीं से भी वो पैसे सख्ती करके इसमें पैसों की बरामदगी की जाए और दूसरे किसानों के साथ फ्रॉड हुआ है उनका डायरेक्ट सीधा मुकदमा दर्ज किया जाए जिससे इसको कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सके और इसके साथ सख्ती दिखाए। हमें एक चीज का बड़ा दुख हुआ, जब हम थाने आए तो वो मुलजिम होते हुए भी हवालात में नहीं था, उसको VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कम से कम कायदे से मुलजिम हवालात में होना चाहिए था, वो हवालात में हमें नहीं मिला। ये सारे किसान उपस्थित हैं और हम इसमें लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे जो किसान हम निर्णय करेंगे उसके हिसाब से हम इसमें चलेंगे। तो किसानों का पैसा बैंक से गबन हुआ और बड़ी दुखद बात है, बहुत कष्टदायी बात है, किसान परेशान हो रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, घूम रहे हैं दर दर की, और किसान का पैसा किसान के खाते में नहीं आ रहा है। किसान का दोष क्या है? अपराधी ने घटना की, बैंक जिम्मेदार नहीं बन रहा है, प्रशासन ने अब तक अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई है, कलेक्टर साहब से कितनी बार मिल चुके हैं, किसानों के प्रति कोई दर्द नहीं है। किसानों की गलती क्या है? किसान क्यों भटके हैं, क्यों आंदोलन करें, क्यों थाने में चक्कर काटे हैं? आज फसल का टाइम है, खेत में काम करने का वक्त है, मजदूर खेत में काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, खेत का काम छोड़कर अपने पेट की लड़ाई, नेक कमाई का पैसा किसान का निकाल करके एक चोर ले गया और उस चोर के प्रति और सिंपैथी दिखाई जा रही है। बड़ी दुखद बात है कि अब तक पैसा उससे लेकर के और किसानों को नहीं दिया जा रहा है। प्रमाण सामने है, उसने कहाँ पैसा ट्रांसफर किया, कहाँ भेजा, सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद भी ठीक से रिमांड नहीं ली गई, पकड़ा नहीं गया, कहाँ ढिलाई की गई कि उसको हाईकोर्ट से और छूट मिल गई, जमानत मिल गई, ये कहीं न कहीं किसी न किसी की मिली भगत है। बड़े दुख की बात है। आंदोलन तेज करेंगे, कड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, पर किसान का एक एक पैसा खाते में लेकर रहेंगे इसके लिए हम आज मिलने आए हैं। अभी देखेंगे क्या होता है। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान